चुनावी बॉन्ड्स मामले में क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? एसबीआई को मिला समय या लगी जोरदार फटकार? क्या रहा विपक्ष का रवैया? क्या रहा पल पल का हाल? आइए देते हैं आपको हर डिटेल। नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। हाल ही में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने डाली थी एक अर्जी, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की डिटेल्स को सामने लाने के लिए 30 जून तक का समय मांगा गया था। इसी सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक दमदार फैसला और सुना दी एसबीआई को खरी खरी। आज सुबह करीब 11 बजे से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अर्जी सुनना शुरू किया, जिसमें कहा गया कि पिछले महीने खत्म करी गई इस स्कीम से पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एनकैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स डिस्क्लोज करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा गया था। एसबीआई ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हर साइलो से इंफॉर्मेशन लेना और फिर उसे दूसरे साइलो से मैच करने में बहुत टाइम लगता है। एसबीआई ऑफिशियल्स के अनुसार डोनर की पहचान को गुमनाम रखने के लिए काफी कड़े कदम उठाए जाते हैं और इसलिए चुनावी बॉन्ड्स को डीकोड करके डोनेशंस के डोनर से मैच करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे को ये बात साफ कर दी कि सुप्रीम कोर्ट उनसे सिर्फ एक प्लेन डिस्क्लोजर चाहता है। वो बोले, हमने आपको मैचिंग एक्सरसाइज के लिए कहा ही नहीं है, इसलिए ये कहकर समय मांगना गलत है। हमारा जजमेंट 15 फरवरी का है, आज 11 मार्च है। पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया ये नहीं बताया गया है, हम एसबीआई से स्पष्टता की उम्मीद करते हैं। साथ ही जस्टिस खन्ना ने कहा, आपके मुताबिक परचेजर की डिटेल्स एक सील्ड कवर में है, आपको बस वो कवर हटाकर हमें डिटेल्स देने की जरूरत है। जल्दी जल्दी में नंबर्स देकर कोई गलती ना करने की बात रखते हुए हरीश साल्वे ने कम से कम 3 हफ्तों का समय मांगा। इस दौरान वो पॉलिटिकल पार्टीज से बॉन्ड्स मैच करने के बिना ही उनके द्वारा खरीदे और रिडीम किए गए बॉन्ड्स की डिटेल्स दे देंगे। वो बोले कि अगर परचेजर डिटेल्स को पार्टीज से लिंक करने की जरूरत ना हो तो वो इलेक्शन कमीशन को 3 हफ्तों में ही डिटेल्स दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंच के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का क्लॉज 7 ये कहता है कि ईवी के खरीदार द्वारा दी गई जानकारी कॉन्फिडेंशियल है और तभी डिस्क्लोज की जाएगी जब एक कॉम्पिटेंट कोर्ट कहेगा या एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कोई ऑफेंस रजिस्टर करेगी। इस बिना पर उन्होंने एसबीआई की 3 हफ्तों की मोहलत की दरकार को खारिज करते हुए उन्हें अगले 24 घंटों यानी 12 मार्च तक सारी डिटेल्स डिस्क्लोज करने को कहा है। साथ ही इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी 15 मार्च को शाम 5 बजे तक पोस्ट करनी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बायर का नाम, बॉन्ड्स का डिनोमिनेशन और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा रिडीम किए गए बॉन्ड्स, इन दोनों डिटेल्स का सेट मैच नहीं होना चाहिए। ओडिशा मिनिस्टर रणेंद्र प्रताप स्वैन ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को देश का सबसे बड़ा स्कैम कहा। साथ ही एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के स्टफ स्टैंड की तारीफ की। इसी लीक में कांग्रेस एमपी कार्ति चिदंबरम का भी नाम जुड़ गया। वो बोले, मैं खुश हूँ सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अर्जी खारिज करके उन्हें कल तक की मोहलत दी है। भारत के लोगों को ये जानने का हक है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा। यही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने एसबीआई की क्रेडिबिलिटी कम होने की बात भी कही। अब इंतजार है तो कल की सुबह का, जहां एक तरफ इस फैसले के बाद एसबीआई के ऑफिशियल्स पर दबाव बनना तो तय है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के कड़े तेवर से ये बात साफ है कि इस बार एसबीआई की कोई भी गलती माफ नहीं की जाएगी। कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सराहनीय माना जा रहा है, जो आगे आने वाले चुनावों में हेरा फेरी करने वालों के मन में डर पैदा करेगा। इस तरह की और भी खबरों के लिए बने रहे इंस्टाफीड के साथ और हमारा बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें।